इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट वार चल रहा है, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारी जानें जो हैं वो चली गई। इस बीच एक और खबर आई कि गाजा में जो हॉस्पिटल है उसे उड़ा दिया गया है। और आपको बता दें कि उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सी जानें जो हैं वो चली गई हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान ऐसा ही होता है कि हर कोई लोग जो भी युद्ध से प्रभावित होते हैं या जिन्हें इंजरीज होती है वो हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा में गाजा के हॉस्पिटल के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ जिसमें कई सारी जानें जो है वो चली गई। अक्टूबर 19 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री जो है महमूद अब्बास से बात की और कहा कि भारत का सपोर्ट जो है वो उनके साथ है और कोई भी मदद चाहिए उन्हें आतंकवाद से निपटने के लिए, वो भी जो है अगर आपको चाहिए तो वो शीघ्र ही देंगे। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारी जो नज़र है वो दोनों पर है, यानी इसराइल और फिलिस्तीन पर है, और दोनों को अगर किसी भी तरह की जो है मदद चाहिए तो वो जो है भारत देश प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो इसराइल के वहां पर अथॉरिटी है नितिन्याहू, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी की लगातार जो है वो बात हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोशल मीडिया पोस्ट यानी एक्स पर जो है वो गाजा में हुए अस्पताल के हमले पर कड़ी निंदा की है। आपने देखा कि युद्ध जब से चल रहा है तब से कई जानें जो है वो चली गई हैं, बॉम्ब से कई बिल्डिंग्स को उड़ा दिया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की आप तस्वीरें देख रहे हैं जो माँ बाप से अलग हो गए, माँ बाप जो है वो बिल्डिंग के मलबे के नीचे जो है वो दबकर मर चुके हैं। लेकिन ऐसे में सोनम कपूर की अगर बात करते हैं, उन्होंने भी फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया और उनका ट्वीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अभी भी हम कहेंगे कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इसराइल के साथ है और उसके मुकाबले में फिलिस्तीन जो है वो अकेला पड़ गया है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी पर नजरें थी कि आखिरकार भारत किसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में बहुत से मुसलमान भी रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सपोर्ट भेजेंगे या नहीं। हाँ, थोड़े से दिन ऊपर हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इसराइल और फिलिस्तीन पर उन दोनों पर ही जो है वो नज़र उनकी है। ऐसे में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इसराइल जो है वो हमले हो रहे हैं और युद्ध की बात जो है आपको बता दें की जा रही है। जब युद्ध इस तरफ से हो या उस तरफ से हो तो जाने जो है वो दोनों की जाती हैं, चाहे आपको बता दें कि कोई बहुत शक्तिशाली देश हो वो युद्ध करने के लिए दूसरों पर जो है हमला कर रहा है, लेकिन वापस में जाने जो है उनकी भी जाती है, तो कहेंगे नुकसान जो है वो दोनों तरफ से हो रहा है। ऐसे में हमास के मिलिटेंट ग्रुप ने जो है वो गाजा पट्टी पर हमला किया था। आपने देखा कि वहाँ पर भी जो है वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के बिना रह गए, उनकी हालत भी जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें कि लगातार गाजा पट्टी की अगर बात करते हैं, वहाँ पर पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया है, वहाँ की बिजली की सप्लाई को जो है वो काट दिया गया है, और वहाँ पर जो राशन सप्लाई होती थी उसे बिल्कुल कम कर दिया गया है। ऐसे में जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है उसका ये कहना है कि अगर बमबारी से ही नहीं, भूख से, बिजली से, प्यास से जो है वो तड़प कर मरेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज भी फिलिस्तीन के लोग जो हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है इसे रोका जाए, क्योंकि आप देखिए कि युद्ध में बहुत सारी जानें जो है वो जा रही हैं। जब युद्ध में बमबारी होगी, जब युद्ध में शेलिंग होगी, तब आप देखिए कि बहुत सी जानें जो है वो जाएंगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमास के लिए ये कहा जा रहा था कि हमास मिलिटेंट ग्रुप ने जो है वो अटैक किया, वाकई में किया है। अब हमास की नई स्ट्रेटजी यहाँ पर आई है कि गाजा पट्टी के वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें पहले ही कम बिजली दी जाती थी, उन्हें पहले ही कम पानी दिया जाता था, उन्हें खाने के लिए कुछ जो है पहले ही प्रोवाइड नहीं किया जाता था। ऐसे में उन लोगों के पास जो ब्रेड्स वगैरह थे, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं ब्रेड्स मतलब कि जो रोटी थी उनके पास वहाँ की अगर मैं बात करूँ, तो वो भी अब धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होती जा रही है। जिस तरह से रोटी की बात करें, जो उन्होंने सामान इकट्ठा करके रखा था वो भी ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि वहाँ के लोग बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बम से बाद में मरेंगे, भूख से पहले मरेंगे, वहाँ पर बिजली भी नहीं है और जिस तरह से बात करते हैं वहाँ पर पीने के लिए पानी भी नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक फिलिस्तीन महिला का जो है वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें वो गाजा पट्टी में बाहर आई और उसने लोगों से गुहार की कि मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्होंने कब से कुछ नहीं खाया, तो हम युद्ध से बाद में मरेंगे, तो पहले जो है हम इससे मर जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने नितिन्याहू से भी बात की है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेसिडेंट जो फिलिस्तीन के उनसे भी बात की है। लेकिन आपको बता दें कि अभी युद्ध का कोई भी सोल्यूशन निकलते हुए सामने नहीं आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी पर नजरें थी सबकी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो किसके बारे में कहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों से बात की और बताया कि भारत देश इसराइल के साथ भी और भारत देश फिलिस्तीन के साथ भी है, और प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा में हुए हॉस्पिटल पर हमले की जो है वो कड़ी निंदा की है।